What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. मालवणी चिकन करी बना रहा हूँ आज, बहुत डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मालवणी मसाला कैसे बनाते हैं, और वही मसाला यूज़ करके आज मैं मालवणी चिकन करी बनाने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो फटाफट, और फिर ये रेसिपी आप इजीली घर पे बना सकते हो। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज YFL के आउटडोर किचन में यहाँ पर ये रेसिपी बना रहा हूँ, और ये रेसिपी गैस पे नहीं बनाने वाला हूँ, चूल्हे पर बनाने वाला हूँ। लकड़ा जलाएंगे, उसके ऊपर ये गावरान स्टाइल चिकन बनेगा, देसी चिकन यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। तो चला चूल्ही वर स्विष्ट मालवणी चिकन बनवाया। हिरवा वाटन बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 15 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इसको आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा हिरवा वाटन रेडी हो गया है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए 2 किलो यहाँ पर देसी चिकन ले रहा हूँ, साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून मालवणी मसाला जो हमने हिरवा वाटन बनाया था वो ऐड कर दीजिए, और साथ ही में 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे से आपको मिक्स करना है, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन को अच्छे से लगा लेने हैं। अब जब तक हम आगे की तैयारी कर रहे हैं तब तक इस चिकन को इस वाटन में मैरिनेट होने देते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लिया, आपने देखा होगा मैंने चिकन जो है ये जो हम ब्रॉयलर चिकन लाते हैं वो नहीं यूज़ किया है, मैंने देसी चिकन यूज़ किया है। गावरान स्टाइल चिकन बना रहे हैं तो देसी चिकन यूज़ करो तो उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो रस्सा है उस पर फ्लेवर काफ़ी होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको देसी चिकन मिलता है तो वो यूज़ कीजिए, इस रेसिपी के लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ा ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, अगर नॉर्मल चिकन आप यूज़ कर रहे हो तो आधे घंटे में ही चिकन गल जाता है, ये वाले चिकन को लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटा लगता है। जैसे मटन पकाते हैं उसी तरीके से ये पकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है बट रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक ओड़ा वाटन यानी कि एक वेट वाटन बनाना है, जिसमें नारियल जाएगा, प्याज जाएगा, और नारियल की जो क्वांटिटी है मालवणी कुजीन में ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसका फ्लेवर उसका टेक्सचर ज़्यादा होता है मालवणी कुजीन में। ओड़ा वाटन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गरम कर लीजिए। तेल एक बार गरम हो जाए तब इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज ऐड करके हल्का सा भून लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1/2 इंच दालचीनी डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। और यहाँ पर अभी प्याज को आपको बहुत ज़्यादा रंग नहीं देना है, बस 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। काफ़ी लोग इसमें खड़े मसाले नहीं डालते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ इस स्टेज पर यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डालना हमारे वाटन में। तो आप देख सकते हो प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। इस स्टेज पर 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक और 1.5 नारियल यहाँ पर मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए, और यहाँ पर नारियल और प्याज को आपको अच्छे से कुक करना है जब तक कि जो नारियल है वो हल्का सा रंग पकड़ ले। भूनते वक्त आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैंने 7-8 मिनट के लिए भूना है अच्छे से, और नारियल में अच्छा सा रंग पकड़ गया है। इस स्टेज तक आपको इस मिक्सर को पकाना है। अब इस मिक्सर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँ तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। पानी जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्राइंड करते समय, आपको ध्यान देना है कि कम से कम यूज़ करना है, आसानी हो जाती है वाटन को बाद में भूनने में। तो आप देख सकते हो मैंने जो वेट वाटन है हमारा ओड़ा वाटन है वो रेडी कर लिया है। तो आपने देखा ओड़ा वाटन जो है वो कैसे बनाया जाता है, नारियल काफ़ी यूज़ किया जाता है मालवणी कुजीन में, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है। तो इसी तरीके से बनाइए। जो खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं, कई रेसिपीज़ में हर घर की रेसिपी अलग होती है तो नई भी ऐड किया जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है तो मैं खड़े मसाले इस स्टेज पर ऐड करता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें चिकन को पकाना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं आज चूल्हे पर पकाने वाला हूँ, आप घर पर बिल्कुल अपने गैस स्टोव पर भी पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चूल्हे पर ही बनाना है। मैं आज चूल्हे पर बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है, लकड़ा मैंने जला लिया है, अब बर्तन को भी जो है थोड़ा तैयार कर लेना होता है। बर्तन के ऊपर इस तरीके से मट्टी लगा लेते हैं, थोड़ी सी गीली करके लाल मट्टी जो होती है वो लगा लेते हैं, तो क्या हो जाता है आसानी हो जाती है बर्तन को बाद में साफ़ करने में, काला जो पड़ जाता है उसको ईजिली साफ़ कर पाते हैं। तो ये सारी तैयारी जो है मैंने कर ली है, अब चूल्हे के ऊपर मालवणी चिकन बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। बर्तन को चूल्हे पर सेट करके 5 से 6 टेबलस्पून इसमें तेल डाल दीजिए, और तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 चॉप किए हुए प्याज ऐड कीजिए। अब इन प्याज को आपको स्टर करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना।
प्याज एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दो कलर के लिए, 4 से 5 टेबलस्पून मालवणी मसाला और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को भून लीजिए। फिर इसके अंदर जो हमने वाटन तैयार किया था ओला वाटन वो ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब इस वाटन को आपको तब तक कुक करना है जब तक कि वाटन में से तेल अलग नहीं हो जाता है। बीच में अगर आपका मसाला जो है वो ड्राई हो जाए थोड़ा गर्म पानी डालकर आप आगे फर्दर कुक कर सकते हैं। तो आप अब देख सकते हो मैंने मसाले को 15 मिनट के लिए अच्छे से भुना है और इसमें से तेल भी अच्छे से छूट चुका है। ये स्टेज तक आपको मसाले को भुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए और अभी 10 मिनट के लिए आपको इसे खुले बर्तन में ही बिना ढक्कन लगाए स्टर करते हुए पकाना है, थोड़ा सा भून लेना है। इस प्रोसेस में 10 ही मिनट में क्या होगा, जो तेल भी है वो मसाले से सेपरेट हो जाएगा, चिकन जो है बाहर से हमारा थोड़ा सियर हो जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, फिर इसमें हम आगे पानी डालकर कुक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि तेल अलग हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, आप पानी जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम पानी डालिए अगर लटपटा चिकन बनाना है तो, और एकदम पतली करी बनानी है तो ज़्यादा पानी डालिए। पानी डालकर अच्छे से आपने एक बार स्टर कर लिया हो तब इसके ऊपर ढक्कन रखना है। ढक्कन को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ कि हल्की सी जगह छूट रही है ताकि जो तेल है वो ऊपर अलग ही रहे। ढक्कन अगर पूरा लगाते हैं तो तेल क्या है करी के साथ मिलता रहता है और तेल छूटता नहीं है, ये टिप आप नोट करके रख सकते हैं। तो यहाँ तक की जो चिकन की प्रोसेस है, अगर आप गैस पे बना रहे हो या चूल्हे पे बना रहे हो और वेदर आप देसी चिकन यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल रेगुलर चिकन यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस सेम रहेगा। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो ऐसा रहेगा कि अगर आप नॉर्मल चिकन यूज़ कर रहे हो तो लगभग 20-25 मिनट में ही आपका जो चिकन है वो गल जाता है। तो जब तक चिकन गलेगा तब तक आपको इसको पका लेना है। लिड को एक दो बार खोल लीजिए, चेक कर लीजिए, स्टर कर लीजिए और चिकन को पका लीजिए। देसी चिकन मैं आज यूज़ कर रहा हूँ तो इसको लगभग अभी और 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको गलने में। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसको बस पकने दे रहा हूँ। पकते पकते इसको बीच में से आप ढक्कन खोल करके चेक कर सकते हैं और बीच बीच में स्टर कर सकते हैं। लगता है तो पानी डालिए, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती और पानी डालने की। अगर आप चाहें बीच में कभी भी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो कर सकते हैं। तो एक बार आपने चिकन को पका लिया है, दोनों में से जो भी चिकन आप यूज़ कर रहे हो, एक बार आपका चिकन पक चुका है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो टोटल लगभग मैंने अभी 1 घंटे के लिए चिकन को स्टार्ट टू एंड पका लिया है, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो तेल एकदम अलग हो चुका है, हमारी जो ग्रेवी है, हमारी जो करी है वो भी ब्यूटीफुल बनी है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चिकन भी हमारा जो है अच्छे से गल गया है। तो आप देख सकते हो चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। इस स्टेज पर टेस्ट करके नमक जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी मालवणी चिकन करी रेडी हो गई है, लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। मालवणी चिकन करी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, एकदम सॉलिड बनी है
और इसके साथ भाकरी खाने में, चावल खाने में बहुत मज़ा आता है, साथ में थोड़ा सा प्याज मिर्ची नींबू, इट विल मेक योर संडे। अगर आप ये संडे को बना रहे हो तो ज़रूर बनाओ और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स में भी मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसे लगी। ये जो चूल्हे के ऊपर बनता है चिकन, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, जो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सा जो लकड़े का कोल बनता है, धुआँ आता है, उससे जो फ्लेवर आता है, मज़ा आ जाता है खाने में। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, मुझे बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल मालवणी चिकन रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।